सो हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MDM टेक टू विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है डीडी फ्री डिश का जो सेटअप बॉक्स होता है, इसका जो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए मैं एक छोटा सा एक बजर लेके आया हूँ। ये बजर मार्केट में 20 रुपये के आसपास मिल जाता है। दोस्तों, किसी भी टेक्नीशियन को जो सेट करना पड़ता है, जो डिश के छत्ती पे जो सिग्नल सेट करने के लिए, जो धूप में इसको दिखाई है, मीटर में दिखाई नहीं पड़ता, नहीं पड़ता होगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये अपना बजर। बजर में हम कैसे लगाते हैं और कैसे चेक करते हैं अपना जो डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स में। तो सेटअप बॉक्स में हम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं कि जो से सिग्नल आएगा एंटीना का, तो एंटीना का जैसे सिग्नल आता है तो अपना बजर बजेगा, तो बजर बजेगा। इसका वीडियो है, आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मेरे ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, इस वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे एक बजर है, तो बजर मार्केट में से 20 रुपये के आसपास। दोस्तों, ये मार्केट में 20 रुपये मिलेगा और साइड पे किसी अमेजोन साइड पे लगाओगे, इसका जो डिलीवरी चार्ज होगे 50-100 रुपये मार्केट मिलेगा। तो इजे मार्केट में से मिल जाएगा आपको 20 रुपये में। तो दोस्तों, इसको हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा सेटअप बॉक्स का ये मदर कार्ड है, देख लीजिए ये पीछे वाला भाग है, आगे वाला भाग है। तो दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे हमारा ये जो बजर है, बजर लगाने वाले, तो इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बजर हम लगाने के, दोस्तों किसी भी सिग्नल आता है तो इसको पहले एंटीना का, यहाँ पे एंटीना का कनेक्शन लगाए। जैसे एंटीना का यहाँ पे कनेक्शन लगाएंगे तो हमको फ्रिक्वेंसी अच्छी तरह के छत्ती से मिल जाएगी। तो मिलने से आपको यहाँ पे बजर बजेगा, लेकिन बजर नहीं बजेगा समझ लेना, आपको ऊपर से जो फ्रिक्वेंसी छत्ती पे आ रही है सेटिंग फ्रिक्वेंसी वो नहीं है। दोस्तों, पहले इसका कनेक्शन करेंगे। तो मदर कार्ड है, मदर कार्ड में जब हम यहाँ पे जो डीडी फ्री का जो सिग्नल आता है, जो केबल है, केबल लगाएंगे तो यहाँ पे बजर बजेगा। तो बजर का मैं बताने वाला हूँ आपको वोल्टेज कैसे आते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा है अपना ये कार्ड है, मदर कार्ड, ये मदर कार्ड है। मदर कार्ड का जो यहाँ से गिनना है, ये देख लीजिए डिस्प्ले का कनेक्शन, ये केबल जाए इसके से, यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, ये फोन नंबर पे यहाँ पे +3.3 वोल्ट आना चाहिए। तो ये अपना जो बजर है, जो रेड वाला वायर है, तो रेड वाला वायर हमको लगाना है यहाँ पे फोन नंबर पे, और यहाँ पे हमको ग्राउंड देना है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड दे सकते हैं, यहाँ पे हमको ग्राउंड देना है, यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा। लेकिन जब ये 3.3 वोल्ट कब आएगा, जब सिग्नल यहाँ से ऊपर से जो सेटिंग हुआ है डीडी फ्री का, जो सेटिंग अच्छी तरह से होगा, फ्रिक्वेंसी सेट होगी, तो यहाँ पे बजर बजेगा, तभी यहाँ पे वोल्टेज आया। जो अभी मैंने यहाँ पे एंटीना का वायर नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको अभी बताएगा नहीं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में से मैं बताऊँगा आपको। ये मल्टीमीटर का 20 DC वोल्ट में रखना है हमको। दोस्तों, मैंने ये बनाया एक सेटअप बॉक्स फाइंडर, जो टेस्टिंग के लिए डिस्का सत्य का सेटिंग के लिए एक बॉक्स में बनाया, देख लीजिए। दोस्तों, अच्छे तरह से मैंने इसका जुगाड़ किया है। दोस्तों देख लीजिए, आप भी इसी तरह इसका जुगाड़ करके बना सकते हैं। दोस्तों, तो ये मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में यहाँ पे मैंने एक पावर सप्लाई लगाया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले का जो कनेक्शन डिस्प्ले लगाया हुआ है, हमारा मदर कार्ड है, देख लीजिए इसी तरह आपको दिखाई दिया पड़ रहा होगा। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे मैंने जुगाड़ करके भी बना सकते हैं आप। बोलते दोस्तों, ये मदर कार्ड देख लीजिए, इसका मैं वोल्टेज चेक करता हूँ आपको दिखाई दिया, पर यहाँ पे मैंने इसका ऑन कर दिया है केबल, लेकिन यहाँ पे मैंने एंटीना का यहाँ पे कनेक्शन नहीं लगाया हुआ है, जो डिस्का छत्ती से आता है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल में लगाता हूँ। ये हमारा देख लीजिए इधर, ये हमारा फ़ोन नंबर पे हम, ये हमारा फ़ोन नंबर पे हम लगाएंगे इसका प्लस टर्मिनल, और यहाँ पे ग्राउंड, ग्राउंड लगाएंगे, ग्राउंड यहाँ पे मैंने इसका ग्राउंड लगा दिया। तो वोल्टेज मल्टीमीटर में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देख लीजिए मल्टीमीटर, यहाँ पे मल्टीमीटर में 0 वोल्ट बता रहा है। यहाँ पे कनेक्शन मैंने मदरबोर्ड का वोल्टेज लिखा है, लेकिन 3.3 वोल्ट नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डिस्का जो एंटीना का जो केबल आता है, केबल इधर, ये मैंने यहाँ पे एंटीना का जो ऊपर छत्ती से आता है इसका, इसका मैं यहाँ पे लगाऊंगा और बाद में आपको वोल्टेज चेक करूँ बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसका, यहाँ पे लगा दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसका एंटीना का केबल लगा दिया है, जो ऊपर छत्ती से आता है इसको मैंने लगा के यहाँ पे आपको बताऊँगा वोल्टेज कैसे 3.3 बता, पहले नहीं बता था, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया नहीं होता इसका केबल, अब मैं इसका कनेक्शन वोल्टेज बताऊंगा, वो बताऊंगा। तो ये हमारा मल्टीमीटर में देख लीजिए, मल्टीमीटर में से यहाँ पे मैं इसका जो प्लस टर्मिनल फोन नंबर पे मिलता है, और यहाँ पे ग्राउंड है, तो मल्टीमीटर पे देख लीजिए, मल्टीमीटर पे, तो मल्टीमीटर आपको
3.09 वोल्ट बता रहा है। क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे मैंने इसका केबल कनेक्शन कर दिया है जो डिस्से एंटीना, यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको दिखाई दे पड़ा। यहाँ पे कनेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे फोन नंबर भी मैंने लगाया हुआ है, प्लस टर्मिनल और माइनस लगाया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे आपको फोर टर्मिनल पर लगाया ना, प्लस टर्मिनल मल्टीमीटर का, यहाँ पे माइनस लगाना है ब्लैक नंबर, ये लगा के आपको मल्टीमीटर पे 3.3 वोल्ट 3.1 वोल्ट बताई देगा। क्यों बता रहा है? यहाँ पे डिस्का एंटीना से मैंने लगा हुआ है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। ये देख लीजिए बजर, बजर में इसका कनेक्शन करो तो कनेक्शन आप देख लीजिए दोस्तों। ये हमारा मदर कार्ड है, देख लीजिए मदर कार्ड में फोन नंबर पे हमका प्लस टर्मिनल लगाने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए फोर टर्मिनल पे मैं इसका सोल्डरिंग करता हूँ जो बजर का, यहाँ पे मैंने लगा दिया है फोन नंबर पे, लगा दिया है। यहाँ पे माइनस लगाने का, यहाँ पे ग्राउंड पे, ये हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर लगाने वाला हूँ मैं इधर, देख लीजिए इधर पे मैंने ब्लैक वायर लगाऊंगा। यहाँ पे LNB का जो केबल आता है, इसका जो ये पिन है 9 पिन डेटा केबल की कनेक्शन, यहाँ पे मैं ग्राउंड लगाऊंगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है फोन नंबर पे जो मदर कार्ड का जो केबल आता है, जो अपना बजर का, ये बजर का रेड वायर यहाँ पे लगा हुआ है और ग्राउंड यहाँ पे लगाने। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस वायर यहाँ पे लगाने फोन नंबर का कनेक्टर पे, यहाँ पे ऐसे लगा के आपको 3.3 वोल्ट कैसे मिलता है वो पता चलेगा। दोस्तों पहले मैं रिसीवर को ऑन करता हूँ, तो ऑन करने से के बाद एक बार बीप बजने वाला है, देख लीजिए एक बार बीप बजेगा। दोस्तों देख लीजिए ये मैंने रिसीवर यहाँ से ऑन किया, एक बार बीप बजा, वो बीप बजने से आपको पता चलेगा आपका कनेक्शन सही तरह से लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा होगा मैंने यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे LNB का जो ऊपर से 36 आता है, इसका मैं यहाँ पे केबल नहीं लगाया हुआ, तो केबल लगा के आपको अच्छी तरह से बीप का साउंड सुना देगा। तो साउंड सुनने देख पड़ने से आपको पता चल जाएगा अपना फ्रिक्वेंसी जो ऊपर से आ रही है सिग्नल की, वो फ्रिक्वेंसी सही तरह से आ रही है। जो साउंड नहीं आएगा तो आपको ऊपर से फ्रिक्वेंसी अच्छी तरह से डिसेंटिंग घुमा के सेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको एक बार केबल लगा के बताता हूँ। दोस्तों देख लीजिए इसका बीप का लगाया, यहाँ पे आपको दिखाई दे पड़ रहा, यहाँ पे मैंने इसका डिस्का एंटीना का लगाया नहीं, इसलिए साउंड अच्छी तरह से बीप का सुनाई दे पड़ा नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो लाइव देख लीजिए यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। इसका कनेक्शन करने से पहले बता आपको बीप सुनाई दे पड़ा, यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। जैसे कनेक्शन करने के साथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसका फिटिंग कर दिया अच्छी तरह से, यहाँ पे लगा दिया, आपका जो साउंड सुनाई दे पड़ा जो बीप का, जो मैंने यहाँ पे स्पीकर लगाया हुआ है जो बजर, दोस्तों दिखाई दे पड़ा अगर इसका फ्रीक्वेंसी भी बता रही है 64%। तो यहाँ से ऐसे सेट करके आप टीवी में भी सिग्नल देख सकते हैं दोस्तों।